नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। लोकसभा नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कुलियों के एक समूह से की मुलाकात, जाना उनका हाल। अयोध्या मामले पर सपा नेता ST हसन का बड़ा बयान, कहा अयोध्या मामले की सही होनी चाहिए जांच, अपराधी को दे फांसी। अयोध्या गैंगरेप केस में BJP नेता श्वेता सिंह ने लगवाए पोस्टर, लिखा लड़के हैं गलती हो जाती है, मचा बवाल। वक्फ बोर्ड बिल पर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क ने विपक्षियों को चेताया, कहा मुस्लिम वोट नहीं देंगे। कोचिंग सेंटर हादसे पर SC की तीखी टिप्पणी, केंद्र दिल्ली सरकार को नोटिस जारी, कहा मौत का कुआं बन गई है ये जगह। लोकसभा नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने 10 जनपद के बाहर कुलियों के एक समूह से मुलाकात की और उनका हाल जाना। लोकसभा नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने दिल्ली में 10 जनपद के बाहर कुलियों के एक समूह से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान एक कुली ने कहा कि मैंने राहुल गांधी को बताया कि देश के विभिन्न हिस्सों से कुली यहां एकत्र हुए हैं। 2008 में लालू प्रसाद यादव तत्कालीन रेल मंत्री ने हमें ग्रुप D का दर्जा दिया था, जिसके कारण हम PM मोदी सरकार द्वारा संचालित निजी बैटरी कारों के कारण अपना घर चला रहे थे। हमारे पास कोई काम नहीं है। हमने राहुल गांधी से कहा कि हमें 2008 की तरह ग्रुप D का दर्जा चाहिए। हमें उम्मीद है कि राहुल गांधी हमारा मुद्दा उठाएंगे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में चल रहे हालात पर चिंता व्यक्त की और कहा कि भारत का विदेश मंत्रालय ढाका में चिंताजनक स्थिति पर नजर रख रहा होगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बांग्लादेश में चल रहे हालात पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत का विदेश मंत्रालय ढाका में चिंताजनक स्थिति पर नजर रख रहा होगा। मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय बहुत सावधानी से स्थिति की निगरानी कर रहा होगा। मैं जो भी सुन रहा हूँ वो मीडिया से है और जो मैं सुन रहा हूँ वो बहुत ही चिंताजनक है। वहाँ कानून और व्यवस्था को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं हैं, जबकि हम सम्मान करते हैं। ये बहुत हद तक सरकार का विशेषाधिकार है, ये एक आंतरिक मामला है। फिर भी हम आशा करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जल्द ही कोई समाधान निकलेगा और शांति लौटेगी। JMM की सांसद महुआ मांझी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि झारखंड के पानी को रोकने से बंगाल को भी फायदा होगा। JMM की सांसद महुआ ने कहा कि ये राज्य का मसला है, दोनों राज्यों को मिलकर बात करनी चाहिए। झारखंड में पठारी इलाके ज्यादा हैं, अगर केंद्र सरकार सहायता करे तो झारखंड के पानी को झारखंड में ही रोककर वहां सिंचाई की व्यवस्था करे, वहां के लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। इससे पलायन विस्थापन की समस्या भी खत्म हो जाएगी और बंगाल में बाढ़ भी नहीं आएगी। अयोध्या मामले पर SP नेता ST हसन ने कहा कि अयोध्या रेप मामले की जांच सही होनी चाहिए। SP नेता ST हसन ने कहा कि अयोध्या रेप मामले की जांच सही होनी चाहिए। अगर ये आदमी अपराधी को फांसी चढ़ा दे, लेकिन इस पर राजनीति ना करे। आजकल तो DNA टेस्ट का रिजल्ट जल्दी आ जाता है, तो BJP को DNA टेस्ट करने में परेशानी क्या है? आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता और रेप के आरोपी मोईद खान का बचाव करते हुए कहा कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, चैनल्स और तमाम जगहों पर उसकी इज्जत को उछाला जा रहा है, जो ठीक नहीं है। संजय सिंह ने MCD में एल्डरमैन नियुक्त करने की दिल्ली LG की शक्ति पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी। MCD ने 10 एल्डरमैन को नामित करने को दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्ति को बरकरार रखने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि यह फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। मुझे लगता है कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और चुनी हुई सरकार को दरकिनार करके आप LG को सारे अधिकार दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोकतंत्र और भारत के संविधान के लिए अच्छा नहीं है। मैं पूरे सम्मान के साथ कहना चाहूंगा कि हम इस फैसले से पूरी तरह से असहमत हैं। ये फैसला लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है और सुनवाई के दौरान कोर्ट की टिप्पणियों के बिल्कुल उलट है। पूरा आदेश पढ़ने के बाद हम रणनीति बनाएंगे कि आगे क्या करना है। अयोध्या सामूहिक बलात्कार मामले पर फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि आरोपियों को फांसी दी जानी चाहिए। अयोध्या सामूहिक दुष्कर्म मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने 5 अगस्त को कहा कि यह घटना बेहद ही शर्मनाक है, आरोपियों को फांसी दी जानी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी पार्टी ने मांग की है कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और कम से कम 20 लाख रुपए का मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि यह घटना बेहद शर्मनाक है, समाजवादी पार्टी पीड़िता के साथ खड़ी है,
जो भी आरोपी है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। पार्टी ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है और उससे अपनी रिपोर्ट देने को कहा है। वहीं जल्द से जल्द रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी की मांग है कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करे और उन्हें कम से कम 20 लाख रुपए दे। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी की राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचकर समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता जनेश्वर मिश्र को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी की राजधानी लखनऊ के जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचकर समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता जनेश्वर मिश्र को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की और श्रद्धांजलि दी, उन्हें याद किया। इस मौके पर सपा प्रमुख ने कहा कि हम समाजवादियों ने जनेश्वर मिश्र को बहुत करीब से देखा, उन्होंने पूरा जीवन समाजवादियों को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया। जनेश्वर मिश्र उस पीढ़ी के नेता है जिन्होंने आजादी के बाद किसान, गरीब, मजदूर और हर वर्ग के लोगों के लिए कैसे सम्मान का जीवन मिले और कैसे उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सम्मान दिलाने का काम किया जाए, और उन्होंने जिस तरीके से हर वर्ग को जोड़कर रखा उसी का परिणाम है कि आज सपा आंदोलन जीवित है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी वक्फ बोर्ड पर संसद में चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक पूरा ड्राफ्ट नहीं आया है। शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि उनकी पार्टी वक्फ बोर्ड पर संसद में चर्चा करेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक पूरा ड्राफ्ट नहीं आया है। इस सरकार में 10 साल में सबसे ज्यादा लैंड जिहाद हुआ है। राउत का ये बयान ऐसे समय पर सामने आया है जब सरकार वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले 1995 के कानून में संशोधन की तैयारी कर रही है। वहीं इस संबंध में संसद में आज एक विधेयक पेश किया जा सकता है। राउत ने बताया कि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे मंगलवार को 3 दिनों के लिए दिल्ली आ रहे हैं। उद्धव ठाकरे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहें और जुड़े रहें 4 PM के साथ। धन्यवाद।